मेरे को लगता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा आ गए थे और हमारा जो आपसी मतभेद था पार्टी का वो खुल के सामने आ गया था और मतदाता इस चीज़ को समझी ऐसा लगता है। जो उमंग दिखा उसे समझ में आ रहा है और लोगों के बीच जैसे गए तो उनसे भी पूछे तो इस टाइम उनका कहना है कि रोटी को पलटने का समय आ गया है, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, अब कांग्रेस को लाना चाहिए करके उनका रुझान जो आ रहा है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ सबक लेके काम कर रहे हैं। जो पिछले समय हमने विधानसभा हारा या पिछले दो हम लोग लोकसभा हारे, 3 लोकसभा हारे, तो पहला लोकसभा, तीसरा लोकसभा तो मान के चलो बिल्कुल निकटतम वोट से हारे थे, तो ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता में उत्साह ज्यादा है। देश भर में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। इस वक्त हम महासमुंद क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। महासमुंद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है, चंद्राकर जी क्या लग रहा है? खासा प्रचार आप लोगों ने ताम्रध्वज साहू जी के लिए किया, क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? मैं तो खैर महासमुंद विधानसभा की बात करूंगा तो लगभग महासमुंद विधानसभा तो लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों से जीत रही है कांग्रेस पार्टी। जो लोगों में रुझान जो दिख रहा है और जो 10 साल भाजपा पार्टी लोगों का शोषण की है उसके विरोध में इस तब मतदान करने वाले लोग ऐसा लग रहे हैं। तो बिल्कुल लोग मतदान अपना गुप्त ही रखते हैं, बताते नहीं है, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले महासमुंद में लगातार पिछले 3 लोकसभा से लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो उम्मीदवार रही और इसके बीजेपी जो है वो विनिंग सिचुएशन में रही, उन्होंने जीता, उन्होंने अपना सांसद बनाया, लेकिन फिर इस बार आप लोगों ने क्या ऐसा मैजिकल गेम यहाँ पे खेला है? देखिए इस समय हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ सबक लेके काम कर रहे हैं। जो पिछले समय हमने विधानसभा हारा या पिछले दो हम लोग लोकसभा हारे, 3 लोकसभा हारे, तो पहला लोकसभा, तीसरा लोकसभा तो मान के चलो बिल्कुल निकटतम वोट से हारे थे, तो ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा है और सब ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। इस टाइम ये सबक ले लिए हैं कि पिछले हमने 3 साल में क्या गलती, पिछले 15 वर्षों में क्या गलती की है, पिछले विधानसभा में क्या गलती हुई, उससे सबक लेके कार्यकर्ता अच्छे से भिड़ के काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम सुखद आएगा। अच्छा, आप अभी फिलहाल महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में, महासमुंद के अलावा और 8 विधानसभा लगता है इस लोकसभा क्षेत्र में, 50-50 का मामला रहा है विधानसभा चुनाव के दौरान, 8 विधानसभा, अगर महासमुंद लोकसभा सीट की बात करें तो 4 में कांग्रेस है और 4 में बीजेपी है। उस दौरान आपकी भी स्थिति ऐसी थी कि आपका भी टिकट किसी वजह से काटा गया, लेकिन आप फिर उसी जोश के साथ लगे हुए हैं मैदान में। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 25,000 वोटों के अंतर से जीतेंगे। मैं फिर से उसी प्रश्न पे आ रही हूँ, क्या ऐसा मैजिकल रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की तरफ नाराजगी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा भी जाता है कि वो कांग्रेस में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। देखिए पिछले विधानसभा की बात करें तो मेरे को लगता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा आ गए थे और हमारा जो आपसी मतभेद था पार्टी का वो खुल के सामने आ गया था और मतदाता इस चीज़ को समझी ऐसा लगता है, और जिसका परिणाम रहा कि विधानसभा चुनाव हम लोग हारे, विधानसभा भी हारे और मान के चलो विधानसभा भी यहाँ से निकल गया, पूरा 34 सीट में आ गया 35 सीट में। तो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ओवर कॉन्फिडेंस था, अब अभी वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं, तो परिणाम आएगा कांग्रेस के पक्ष में ये समझ में आ रहा है। और लोगों जैसे अपन गांव जा रहे हैं, पोलिंग बूथों में जा रहे हैं या कार्यकर्ताओं के बीच गए तो एक जो जोश उमंग दिखा उसे समझ में आ रहा है, और लोगों के बीच जैसे गए तो उनसे भी पूछे तो इस टाइम उनका कहना है कि रोटी को पलटने का समय आ गया है, 10 साल हो गया मोदी सरकार को, अब कांग्रेस को लाना चाहिए करके उनका रुझान जो आ रहा है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कम से कम 20-25 हज़ार से महासमुंद विधानसभा ही जीतेंगे और लोकसभा तो कम से कम 125,000 से जीतने का ऐसा लग रहा है, अनुमान आ रहा है। तो बिल्कुल कांग्रेस के लोग हैं, काफ़ी उत्साह इनमें दिख रहा है और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि ये लोकसभा तो ये जीत रहे हैं, महासमुंद लोकसभा सीट है। खैर बता दें महासमुंद लोकसभा सीट की अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि, तो यहाँ पर कुर्मी समाज, साहू समाज और यादव समाज, ये ओबीसी का 51% का वोट शेयर अपने पास रखते हैं। इसके साथ 20% का वोट शेयर है एसटी के पास और 20% का लगभग वोट शेयर एसटी के पास जाता है और अनारक्षित वर्ग के लोग भी हैं जो यहाँ पर वोटर हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि इस क्षेत्र में किसान प्रधान ये क्षेत्र है, कितना क्या कैसा समीकरण बनता है, क्योंकि भूपेश बघेल को किसान नेता मानने के बाद भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ताम्रध्वज साहू यहाँ के प्रत्याशी, अब देखने वाली बात यही होगी कि किसके फेवर में कितना वोट जाता है। लोकमत के लिए स्वाति कुशवाहा।